नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है भैया आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में क्या होता है कि नाइट्रोजन के थ्रू अटैचमेंट होता है। बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, ये नाइट्रोजन हो गया, दो बॉन्ड हो गए कार्बन के हाथ में, एंड दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट मे ऑल्सो बी रिटन एज इट इज नाइट्रोजन, एक दो तीन, तीनों कोवेलेंट बॉन्ड दो, इन दैट केस दैट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड दैट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, सो दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट आइसोसाइनाइड। तनिष आईडी चेंज हो गई है, अरे यार बार बार टाइप करूंगा क्या, चलो इस पर ज्वाइन करो तुम, ठीक है पासवर्ड कट लिया यार। तो बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर बहुत कुछ नाम नहीं देखेंगे अपन लोग, फॉर एग्जाम्पल लेगा इट इज सी एस थ्री, इट इज एन, और ये लेगा है सी। अब बात करें बच्चे अपन लोग साइनाइड के जैसा है, इन दैट केस यहाँ पर क्या होगा आइसोसाइनाइड बोलते इसको अपन लोग, और यदि इसका सफिक्स वाला नाम यूज करें दैट इज आइसो नाइट्राइल। तो सिंपल बात करें आप लोग, एक कार्बन की चेन है क्योंकि यहां पर कार्बन थोड़ी है, इट इज नाइट्रोजन, इन दैट केस नेम जो होगा दैट बिकम्स मीथेन। आइसोसाइनाइड क्यों बोल रहे सर, नाइट्राइल आइसोसाइनाइड होता ही है सर, लेकिन आइसो में तो सर सेकंड कार्बन पे आता था ना, मतलब जैसे, अरे वो अलग चीज थी बेटा, ये अलग चीज है, आइसो अलग टर्म, वो प्रीफिक्स यूज करते थे अपन लोग है ना सर, तो यहाँ पे आइसो ऐसे ही है, आइसो का मतलब हमेशा वही नहीं होता बेटा ना, हर जगह अलग अलग हो सकता है सर, तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पर इसका नाम है, इसका नाम ही आइसोसाइनाइड। ओके सर, नाम ठीक है सर। चलो एक और क्वेश्चन कर ले लो, फॉर एग्जाम्पल लिखा है इट इज एन सी, अब चूंकि इसको नंबर तो देना नहीं है, इन दैट केस नंबरिंग भी यहां से स्टार्ट ही करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि लीस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, बोलो हाँ ना, यस सर। इन दैट केस मैंने यहां पर एक और सी एस टी लगा दिया, बोलो नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट और लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट वाई सो, अरे है तो अभी भी ये फंक्शन ग्रुप ना, तो फंक्शन ग्रुप शुड बी गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर ना, यस सर, इन दैट केस शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट और लेफ्ट, राइट इट इज एक दो तीन चार पांच कार्बन की चेन हो गई, अब दैट इज अ मिथाइल, कहां पर लिखेंगे आप लोग प्रीफिक्स में, यस सर, यस सर, क्या हो भैया इट इज, बोले लीजिए फोर मिथाइल पेंटेन टू आइसोनाइट्राइल, फोर मिथाइल देन क्या होगा पेंटेन, उसके में आइसो नाइट्राइल, अरे बोलो सही है क्या, यस सर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन को नंबरिंग नहीं दे रहे हैं, कार्बन यहाँ पर है ही नहीं है आपको फंक्शनल ग्रुप, इन दैट केस यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं करेंगे, सिंपल हर जगह आइसो नाइट्राइल लिखेंगे अपन, एक और अपन चाहे तो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिखा है दैट इज सी ओ ओ एच, और यदि यहाँ पर लिखा है इट इज एन देन सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर विद कार्बन, इट इज नाइट्रोजन, यस सर, तो ये साइनाइड है कि आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, तो बात करें बच्चे अपन लोग कितने कार्बन की चेन हो गई, दो, और ये हो गए तीन कार्बन की चेन, यस सर, साइनाइड में भी हम तीन कार्बन की चेन लेते, अभी क्या है आपका आइसोसाइनाइड, तो बोलो नाम क्या होगा, इट इज थ्री आइसोसाइनो है ना, आइसोनाइट्राइल की पोजीशन क्यों नहीं लिखी है बेटा, सर सेकंड एग्जांपल में आइसोनाइट्राइल की पोजीशन, ये मैंने गलत कर दिया है ना, इट इज टू आइसोनाइट्राइल, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही बोला बेटा है ना, सॉरी मैं भी भूल गया था इसको, तो सर अपन ने लेफ्ट से क्यों नहीं स्टार्ट किया सर सेकंड वाले में, अगर अपन को सर मतलब लेफ्ट से क्यों नहीं स्टार्ट किया नंबरिंग इसको, सर सेकंड वाले में अपन ने लेफ्ट से नहीं स्टार्ट, इन दैट केस इट गेट फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर देखिए क्योंकि है तो फंक्शनल ग्रुप ना ये, हां सर हां समझ गया, इसको प्रायोरिटी वाइज दादा, हां सर जल्दी इस नंबर मिलेगा, हां सर
चलो अब ये बताओ भैया आइसोसाइनाइड के बाद में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड सर सर आइसो कब लगाते हैं एक बार क्लियर कर दो ना सर थोड़ा सा। आइसो वो अलग चीज है और ये आइसोसाइनाइड अलग चीज, ठीक है थोड़ा दूर रखो इन दोनों, ठीक है सर। यदि एनसी लगा है तो आइसोसाइनाइड, सीएल लगा है तो साइनाइड, ठीक है ठीक है सर। पर ये थर्ड एग्जांपल में सीएन मतलब अच्छा रुको पहले ये बताओ रो क्यों रहे हो? सरकार हो रहा हूं। हां चलो अब ठीक है सर। वो हम साइनाइड में भी सीएन नॉर्मल लिखते थे तो हम कभी-कभी एन से लग जाता था। इज एन, अब ये लिखने की तरीका है अभी और भी चल रहा है, मतलब मजाक तो है नहीं, मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखना, इट इज कार्बन देन नाइट्रोजन, बोलो यार। तो सर ये मैटर करता है क्या सर? एनसी मैटर करता है, हाँ, ये साइनाइड है और लगने में अपन लोग बोलते हैं ये थोड़ी होगा कि जब भी एन और सी लिखेंगे तो क्या होगा, इट इज आइसोसाइनाइड, ये फिलहाल में साइनाइड है। बोलो क्वेश्चन क्या होगा? सर तो जब सी कांटेक्ट में तो सर अपन उससे लेबल करना स्टार्ट करेंगे ना? हाँ जी सर। तो अगर हम जब सर COOH केस में तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसको आप उल्टा लिख दो या सीधा लिख दो। हाँ कैसे, अरे किसी के केस में कुछ नहीं होता, ये है ही आपका एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसका यदि रिवर्स फॉर्म देखें तो कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन जाता, सब जगह थोड़ी होगा एप्लीकेबल। ठीक है सर चलो तो नेक्स्ट आई थिंक सो एल्डिहाइड होगा। यस सर। अरे बोलो सर। हाँ जी वो अगर हम सी हटा के उसको एक ब्रांच करके फिर एन लिखें तो भी करेक्ट होगा क्या? कौन सा सी हटा के? आइसोसाइनाइड सॉरी साइनाइड के जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है सी, उसको भी हम एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट करें, मतलब एज अ लाइन रिप्रेजेंट करें। इसको नहीं नीचे इसको हाँ कैसे करोगे, कर पाओगे? हाँ करके दिखाओ, मतलब कैसे करोगे बताओ ना। वो जो लास्ट पॉइंट है ना उसको एक और कहीं इधर उधर एक्सटेंड कर दो एंड देन उससे एक और एक्सटेंशन में एन लगा दो तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो एन से अटैच्ड है किसी से। दैट इज करेक्ट, दैट इज पॉसिबल, बट बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे? ये दोनों सेम थिंग है ना, लेकिन ये समहाउ कम यूज करते हैं या यूज नहीं करते, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना पड़ेगा ना इसमें? ओ दादा साइनाइड है ये। हाँ सर इसमें नहीं दिखाना सर। तो सर इसमें चार कार्बन होने चाहिए ना सर, अपन ने सर प्रोप लिखा है। दैट इज नॉट काउंटेड इन पेन कार्बन चेन। लेकिन सर सर आपने बोलते ना सर एनसी में नहीं गिनेंगे, लेकिन सर सीएन अरे सॉरी सीएन में नहीं गिनेंगे, एनसी में तो गिनेंगे। पहले पढ़ा चुके दादा, कल पढ़ाए थे। हाँ सर एक बार चेक कर लो, कल मतलब परसों पढ़ाए थे, चेक करो काउंट किया था कि नहीं किया था। हाँ सर नहीं किया ना? नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे कार्बन है तब भी नहीं कर रहे और यहाँ पर तो कार्बन है ही नहीं है, इस कोई बात ही नहीं सर। लेकिन सर एनसी में तो सर डायरेक्ट अटैच है ना सर वो कार्बन कार्बन से। हाँ जी सर। तो फिर उसको गिनते क्यों नहीं है? हाँ तो नहीं गिनते बेटा, ये रूल है, ठीक है। लेकिन दोनों केस में गिनेंगे नहीं दोनों को, मतलब दोनों ही बार में नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल सही है एकदम, ठीक है। चलो तो भैया अल्डिहाइड दिया हुआ है। Yes, sir. स्पेलिंग सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब अल्डिहाइड में यार मुझे कुछ बातें सुनना है आपके मुंह से, पहली बात सफिक्स क्या बोलेंगे पल्लो? सर ऑन। ए लड़के लास्ट वाला नहीं बिठाओ। अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होगा? इट इज अल। Yes, sir. चलो यदि अल यूज नहीं कर पाए और सफिक्स से बनाना है, इंडेंट केस काउंट नहीं किया अपन ने कार्बन, सो व्हाट अबाउट द नेम? कार्बेल्डिहाइड। और यदि प्रीफिक्स यूज करना होगा तो फॉर्माइल, कब? जब काउंट नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सो कब? जब काउंट होगा, देखते हैं बोलो क्या होगा। यहाँ पर देखे बच्चे आप बोल लो, जब प्रे
प्रीफिक्स वाले एग्जांपल कराऊंगा तब मैं ये लिखा दूंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल में तो आप एक क्वेश्चन करो, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ इट इज एच। बताइए टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में कितने, एक कार्बन। दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप, क्या होता भैया, इट इज मिथेनल। मतलब क्या होगा, इट इज, अरे बोलो भैया, मिथेनॉल। मिथेनॉल ऑल नहीं लगाएंगे, वो लगा दिया, इन दैट केस क्या होगा, सी एस थ्री ओ एच हो जाता, दैट इज अल्कोहल। ये बहुत माइनर डिफरेंस। चलो और बनाओगे? यस सर। यस, लिखा है सी एच ओ, लिखा है सी एच ओ, बोलो क्या होगा, कितने कार्बन की चेन हो गई, फोर फोर कार्बन की चेन। चलो अब यदि मैंने यहां पर मिथाइल लगा दिया और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, अब बताइए नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? सर लेफ्ट, सर लेफ्ट साइड से, लेफ्ट और राइट। यस सर, सर ये डबल बॉन्ड मिल गया ना सर, ये क्या है, कौन सा ग्रुप, कौन सा, ये मिथाइल है सर, इट इज मिथाइल। और ये क्या है सर, ये मिथाइल मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। तो भैया कहीं से भी कर दो यार, देयर इज नो चॉइस, क्योंकि यहां पर वो सारी चीज कॉमन ही हो गए, तो नहीं आया तुमने। हम ये देखते हैं कौन सा अल्फाबेट पहले आ रहा था, एम ई टी एच वाई एल, दैट इज कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम। यस, इन दैट केस हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन पहले आएगा, तो हमने शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवन एंड इन दैट केस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड चालू नहीं करेंगे ना, ना ना सी एच इज फंक्शन ग्रुप ना, डबल बॉन्ड तो बाद में आता है, फंक्शन ग्रुप के बाद में, दोनों के दोनों फंक्शन ग्रुप है। अब सोचो यदि मैं यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन ग्रुप ले लेता, फॉर एग्जाम्पल अल्डिहाइड की जगह मैं साइनाइड ले लेता, in that case that is not counted, in that case 1 2 3 then 4 ho jata, are bolo hai na, yes, kyunki wo substituent ban jata in that case. So sir humne sulfonic acid ke bare mein nahi likha na, usme bhi bahut kuch naam nahi hota isliye nahi likha hoga, koi dikkat nahi, ek do example kara dunga uske, theek hai, okay sir. So upar wala methylidine hai na sir, upar wala, ha ji methylidine sir, hum substituent kab maarte hain kaise samjhega kya सर, जैसे आपने बोला ना कि अभी उसकी जगह साइनाइड होता तो अपन वहां से नंबरिंग चालू करते, तो से और आपने बोला कि ये CHO को अपन सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, तो ये कब मानेंगे, कैसे समझेगा? कॉमन सी बात है आपकी, क्या सिखाए हैं आपको कि एक होता है मेन फंक्शन ग्रुप, अरे बोलो है ना, दैट इज द हाईएस्ट प्रायर फंक्शन ग्रुप, हां सर, उसके रिलेटिव पोजीशन में जो भी इससे डाउनवर्ड आएगा, जो भी इससे नीचे वाला फंक्शन ग्रुप होगा वो सभी सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो बस ये देख लो CHO में और साइनाइड में ऊपर कौन आता है। ओके सर, थैंक यू। तो भैया बताओ इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले इट इज 2 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइल मिथाइलिडीन, देन 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ब्यूटेन 1.4 डाइल, 1.4 डाइल, 1.4 डाइल, डाइल, समझा क्या भैया, कोई दिक्कत? No, sir. सर आप डबल बॉन्ड सर ऐसे सर अगर राइट से स्टार्ट करते तो सर 1 2 3 4 करते तो भी राइट होता ना सर उसमें ऊपर वाले में। मैं बोल रहा हूँ ना, ये ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया जो आज तक मैंने भी कभी नहीं देखा, ऑब्जर्व भी नहीं हुआ, कॉमन सी बात है कि दैट इज कॉमन बिटवीन देम एंड दैट केस, कैसे डिस्टिंग्विश करें? हाँ सर, लेकिन डबल बॉन्ड भी है ना सर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है तो थोड़ा सी स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड वो अलग चीज है, डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड तब होता है जब डबल बॉन्ड से क्रॉस होते, मतलब इसको नंबर दे रहे हैं, इसको नंबर दे रहे हैं, डबल बॉन्ड, दैट इज नॉट डबल बॉन्ड। हां सर ठीक है, ब्रांच हो गया हमारे लिए। हां जी, चलो देखिए बोलो, और लिखा है सी एच ओ, सी एच ओ, एक दो कार्बन, इट इज 1 इट इज 2, बोलो भैया काउंट द नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, दो कार्बन, यस सर दो कार्बन, यस सर दो कार्बन के लिए मीथेन, साहिल बोलेगा बोल,
क्या सर? नाम बोल भैया। मेरे से नहीं बन रहे सर ये नाम। चलो महेंद्र। वेदंग। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो महेंद्र। सर इथेन 1.2 डायल। इथेन 1.2 डायल, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। करेक्ट है। यस सर। इथेन हो गया, इनका ई हटा दिया अपन ने, क्योंकि यहां से अल से स्टार्ट हो रहा है। अरे बोलो। यस सर। इसका कॉमन नेम चाहो तो लिख लेना, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट इज अ ग्लाइऑक्सल नाम से जाना जाता है, ये कॉमन नेम है। सर सर जब आपकी शीट कर रहा था ना सर, सर तो कॉमन नेम से मालूम ही नहीं पड़ रहा था सर। पढ़ेंगे पढ़ेंगे ये कौन सा मानना है। चलो अब एक क्वेश्चन बताइए, नमनी शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम, अभी मत करो वैसे, ये वाला है ई टोन भी आ गए तो मुझे और कुछ बताना था। चलो कुछ और देखते हैं बोलोगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल लिखा है इट इज सी एच टू, इट इज सी एच ओ सी एच सी एच टू सी एच ओ सी एच ओ। बोलिए नाम क्या होगा सर? सर मैं बताऊं? ना सर देखा मैं बताऊं? चल बता सर, वो सेकंड लाइन में सी एच के बाद क्या लिखा है? सी एच ओ। ओके ड्रॉप। हाँ 1.2.3 ट्राई कार्बन डिहाइड। आगे कुछ लगेगा उसके? सर प्रोपेन भी लगेगा ना? हाँ जो प्रोपेन 1.2.3 ट्राई अल्डिहाइड कार्बन डिहाइड। प्रोपेन 1.2.3 ट्राई कार्बन डिहाइड। कार्बन डिहाइड चलो सर आपने यही बनाया था आपने बेटा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलो सर आपने आप बताएंगे अब, ठीक है? यस सर। ये लिखा हुआ है सी एच ओ, ये लिखा है सी एच थ्री, यहां पर लगा है डबल बॉन्ड। बोलो कहां जाना चाहोगे? और यहां पर लगा है एक और सी एच थ्री। नमनिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम विच वन? कार्बन। सर एल्डिहाइड के कार्बन से स्टार्ट करें। टॉप ना एल्डिहाइड के नहीं, रिंग पे ही होगा। लेट मस्ट बी फर्स्ट कार्बन। यस सर। सो फर्स्ट से कहां है? लेफ्ट साइड राइट साइड? लेफ्ट सर। लेफ्ट क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया है। डबल बॉन्ड? यस सर। यस सोचने नहीं, इन दैट केस क्या हुआ? इट इज 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। बोलो आया ना? यस सर। बोलो ना। 5.6 डायमिथाइल। डायमिथाइल साइक्लोहेक्स 2-ene-ul। 2-ene-ul कार्बन डाइहाइड। वन कार्बन डाइहाइड। अरे वही बोलेगी क्या आएगा? ये सर अल नहीं आएगा, कार्बन डाइहाइड है। हाँ क्यों आएगा सर? क्योंकि उसको काउंट नहीं किया है। सर इन का ई रहेगा ना एंड वाला? क्यों रहेगा बेटा? सर सी वॉवल आप पता है ना, ये बाल की खाल निकालना इनसे सीखो। सर यहाँ पर वन लिखना भी जरूरी है क्या? क्या सर वन लिखना जरूरी है यहाँ पे? समटाइम कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वन पोजीशन नहीं दे, मतलब पोजीशन नहीं दे पाते, इन दैट केस क्या होता है, लिखना कंपल्सरी होता है। और यदि नहीं दिया है बाय डिफॉल्ट वन हो जाता है इन दैट केस, ठीक है? ना भी लिखो तो भी आपका करेक्ट 100%, ठीक है? सर ओएचसी ओएचसी और सीएचओ में भी डिफरेंस नहीं होगा ना सर, क्योंकि फिर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है और ओ से हाइड्रोजन जुड़ा, तो सेम ही चीज हुई क्या बेटा? फिर से बोलो सर। ओ सर क्या था, ओ एच सी और सी एच ओ में फिर डिफरेंस नहीं होगा ना सर उन दोनों में? हाँ, कोई डिफरेंस नहीं।
सर फिर क्यों, लेकिन सर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो एक ही चीज हो गई। वो डिपेंड करता ना कि आप कैसे लिख रहे हो, समटाइम ये भी तो हो सकता है आपका रिप्रेजेंटेशन गलत हो। अरे बोलो सर। तो हाँ सर, मैं तो गलत नहीं करता कभी। यदि मुझे सी एच ओ लिखना है तो लिख दिया मैंने सी एच ओ, और यदि ऐसा लिखना है तो मैंने लिख दिया सी एच ओ। कहाँ गलती की सर, एक ही चीज हुई। अब ये तो मूर्खता होगी कि यहाँ पर सी एच ओ लिख दिया और रिवर्स फॉर्म में भी ऐसा सी एच ओ। सर वो समझा, लेकिन सर अगर अपन सी ओ एच लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा फिर वो। दैट इज रॉन्ग ना। हाँ सर, ये थोड़ी लिखेंगे। हाँ सर, तो बात करें बच्चे अपन लोग कुछ और नाम। अब एक काम करते एस आप प्रीफिक्स चलते अपन लोग, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अपन लोग यहाँ पर एक दो नाम देखते हैं अपन लोग कि लिखा हुआ है। सपोज इट इज सी ओ ओ एच, कोई और नाम लेते हैं ना, हमेशा सी ओ एच लेते तुम लोग को बोल रहे हो क्या यार, सी ओ एन एस टू ले लिया। क्या सी ओ एन एस टू एल्डिहाइड से ऊपर आता है? Yes. Yes, sir. चलो yes. अब मैंने बोला यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज सी एच ओ, और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन मस्ट बी कितना होगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 CHO if the carbon of CHO, if the carbon of CHO is counted in parent carbon chain, if carbon of CHO is counted in parent carbon chain, then prefix oxo is used. Then prefix oxo, oxo is used. And if not counted, then prefix formyl is used. तो बताइए कि यदि मैं नंबरिंग करता हूं दैट इज 1 2 3 4 देन 5। अरे बोलो। यस यस, एक बार बस बताएंगे ऑक्सो इज यूज्ड के बाद। एंड इफ नॉट काउंटेड देन प्रीफिक्स फॉर्माइल इज यूज्ड। बताइए इन दैट केस सीएचओ के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे? फॉर्माइल ऑक्सो लिखेंगे। यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, मैं चाहता हूं इस कंपाउंड के कोई दो नाम लिख दे, इट इज ओ देन सी एच थ्री, और यहां पर लिखा है मैंने सी एच ओ, मैं इसके दो नाम लिखना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट, इट इज ईस्टर, दैट इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। अरे बोलो है ना। Yes, sir. ये जो क्या होगा इन दैट केस क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। Yes, sir. अब सुनना मेरी बात को, सबसे पहले तो क्या होगा कि दैट इज क्या होगा आपका मिथाइल विदाउट एनी एड्रेस लिख देंगे, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. मैंने बोला 1 2 3 और यहां पर 4, इन दैट केस क्या हुआ, इट इज 4 ऑक्सो। क्या होगा, इट इज ब्यूटेन ओएट। Yes, sir, ब्यूटेनोएट। या फिर मैं बात करूं यहां पर लिख दिया मैंने डेट इज अ मिथाइल और लिख दिया इट इज अ 3-formyl।
प्रोपेनोइड, तो अमंग देम व्हिच वन नेम इज करेक्ट? बोथ आर करेक्ट. बोलिए कोई करेक्ट है? ये दोनों गलत है सर. थर्ड वाला सही है. सेकंड वाला सही है? यस सर, सेकंड वाला सही. सेकंड वाला सॉरी सर. पहला वाला गलत है? पहले वाले में क्या गलत है सर? हमने दूसरे वाले केस में उसको सब्स्टिट्यूएंट लेके लिख दिया है. मैंने तो एक नोट पॉइंट लिखा है, उस नोट पॉइंट के बेस पे देखिए तो अमंग देम व्हिच वन इज रॉन्ग? सर फर्स्ट वन. सर फर्स्ट वन बिकॉज उसमें हमने उसको फंक्शनल ग्रुप ये कर लिया. फंक्शनल ग्रुप नहीं करा बेटा, प्रीफिक्स ही बोला था आपने. सर फिर फर्स्ट वन सही होना चाहिए ना सर? दोनों सही है. क्यों गलत है सर? दूसरा दोनों ही सही लग रहे हैं. हमने उसको सब्स्टिट्यूएंट लेके पकड़ा है ना सीएच को. 100% करेक्ट. दैट इज 100% करेक्ट. अरे यस सर. कोई अपन कोई भी रूल वायलेट किया क्या? अपन चार कार्बन है इन दैट केस कंसीडर होगा, कंसीडर होगा तो ऑक्सो लिख दिया. तीन कार्बन की चेन मान ली इन दैट केस कंसीडर नहीं हुआ, कंसीडर नहीं हुआ इन दैट केस फॉर्मल लिख दिया. कहानी खत्म. सर पर हमने फर्स्ट वाले में फोर कार्बन की कंसीडर क्यों की? ये तो अपनी चॉइस है ना. जब हमारे पास चॉइस है तो आप इसको ऑप्ट कर भी सकते हैं. ऑप्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑक्सो. और नहीं करेंगे हो तो फॉर्माइल. सर लेकिन मुझे सब्स्टिट्यूएंट वर्क किया ना सर. ओ दादा अभी लिखा है तो नोट पॉइंट उसको रीड तो करो. हां सर लिखा है तो सर गलती नहीं टर्मिनल पे आएगा तो होगा सर. हां बोलो सर. पर ऊपर वाला ज्यादा सही नहीं होगा क्योंकि पेरेंट कार्बन जितनी बड़ी हो सकती है. Yeah. अगर कोई ब्रांचिंग नहीं हो तो जितनी बड़ी पेरेंट कार्बन हो सकती है उतनी कटना पड़ेगा ना. मैं तो ये बोल रहा हूँ यहाँ पर एक CH3 होता है एंड दैट इज देयर इज नो चॉइस. हम CH3 के पास आते हैं, समझ रहे हो? अभी फिलहाल में बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पर तो लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेंज करना क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया. सोच रहे नहीं इसके बारे. अब यहाँ पर क्या किसी भी कंडीशन पे ऑक्सो लिख सकते हो आप? कार्बन होगी और यहाँ पर पांच मिले, पांच वाली सिलेक्ट हो गया. समझा क्या? सर अगर वो CHO पांचवे पे रहता तो सर अपन ऑक्सो लिखते ना ऊपर वाले में. बेटा ये फॉर्मली रहने दो, तुम्हें लिखा दिया ठीक है. रीजन क्या बताया आपको? बोला यदि कार्बन को नंबर दे दिए हम पेरेंट कार्बन चेन में तो क्या लिखेंगे बोलो? ऑक्सो. ऑक्सो. कार्बन को नंबर नहीं दे पाए इन दैट केस तो वही फॉर्माइल. फॉर्मल सिंपलीफाई. तो यहाँ पर देख लो ना कि तीन कार्बन की चेन मान ली अपन ने तो नंबर नहीं मिला तो क्या लिखूंगा बोलो? फॉर्माइल. तो चार कार्बन की चेन मान ली तो यहाँ पर नंबर मिल गया मतलब ऑक्सो. सर जब अपन तीन लिख रहे हैं तो सर जब अपन तीन का चेन मान रहे हैं तो सर अपन उसको सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं ना. हमारे पास ऑप्शन कभी कभी होते हैं कि जब ले सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन ही नहीं होता ना. तो यहाँ पर इस वाले फंक्शन ग्रुप के लिए कॉर्नर पे लगा था इन दैट केस ऑप्शन था इन दैट केस. दोनों ऑप्शन अपन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा आपका एक ही ऑप्शन होता आपके पास ठीक है. तो यहीं पर है एक ऐसा कि जिसमें हम लोग दो प्रीफिक्स यूज करते हैं अल्डिहाइड में. बोलो हाँ ना. अल्डिहाइड में दो डिफरेंट प्रीफिक्स है और कहीं लिखा है इसके अलावा? तो अब ये मत बोलो कीटोन में लिखा है. अरे बोलो. अभी तक हमने जितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं सभी में प्रीफिक्स क्या थे आपके? एक ही थे ना, सिंगल वर्ड जिसमें इंक्लूड नहीं करना था वो वाले दिए, ब्रैकेट के अंदर वाला और एक बाहर वाला. यस सर. लेकिन यहाँ पर प्रीफिक्स दो अलग होते तो लिमिट भी क्या होती है, आपकी कंडीशन क्या है, किस कंडीशन के बेस पे क्या लगाना है आपको, वो मैंने लिखा दिया. चलो आगे बढ़े क्या? यस सर. लेकिन हाँ सर लेकिन आपने जो नोट पॉइंट लिखा है उस हिसाब से तो सर फर्स्ट वाला करेक्ट होना चाहिए ना सर. सेकंड वाला क्यों होगा सर? Yes, sir. Yes.
तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे एच सी एच को फॉर्मेलिटी हाइड बोलते हैं, डू यू नो अबाउट इट? सबसे पहला नाम मीथेनॉल, फॉर्मेलिटी हाइड जानते हो क्या होता है? मेडिकल फॉर्मलाइन सॉल्यूशन सुना नहीं होना? प्रीफिक्स में क्या बोलेंगे? ओ प्रीफिक्स प्रीफिक्स कीटो 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 आइदर कीटो और ऑक्सो ऑक्सो आइदर कीटो और ऑक्सो देयर इज नो लिमिटेशन जो लगाना वो लगाओ बस अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते रहना नेक्स्ट एंड सफिक्स में क्या लगाएंगे बोलो दैट इज ओन ओन वन चलो तो यार बात करें कीटो के दोनों साइड फ्री वैलेंसी है इन दैट केस दोनों साइड कम से कम एक एक कार्बन तो लिखना पड़ेगा बोलो हाँ है ना yes, तो ये लिख दिया मैंने अब यहां पर चूंकि कार्बन जो है आपके बीच में आ रहा है तो यहां पर पोजीशन आपको डिक्लेयर करना कंपलसरी होगा इट इज वन देन टू देन थ्री बोलो तीन कार्बन का ना नाम क्या होगा बोलो सर प्रोपेन प्रोपेन टू ओन प्रोपेन नॉन प्रोपेन ऑन टू ओन ज्यादा मसूम लेना दिक्कत हो जाएगी नशे होते हैं ना मतलब इनको ज्यादा सुन लो तो नशा चढ़ जाता वाकई सर गैस की भी अवॉइड करना है इनको है ना सस्ते नशा सस्ता नहीं सस्ता नहीं ये तो महंगे मतलब पेट्रोल का तो नशा तो बहुत महंगा होगा ना यस सर ओके चलो आगे बढ़े क्या अरे सर ये सबसे बेसिक है क्या थ्री कार्बन का कीटोन में बिकॉज सर एच भी तो लगा सकते थे एच भी तो लगा सकते थे एच यदि किसी कॉर्नर पे लगा दिया मैंने दैट बिकम्स सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच हो गया था ना अच्छा ठीक है सर बच्चे चलो शुरू हो जाएंगे क्या होगा नाम इसका अच्छा एल्डिहाइड और कीटोन में विच वन हैज मोर प्रायोरिटी बोलो क्या होगा It is butane. Two on. अरे बोलो सही है क्या? Yes sir. सर सब पूछ रहे हैं मैं बोलूँ क्या महेंद्रा तो भाई. है ना अच्छी बात है देखो एक्चुअल में क्या होता है कि ये इसी को बोलते हैं स्पार्क. है ना एक कभी-कभी आती है. साहिल में देखो स्पार्क तो ऐसी चली गई है खत्म एकदम. बोलो नाम क्या होगा? सर वो आपकी शीट करने के बाद कंफ्यूजन हो गया इधर. क्या कंफ्यूजन हो गया? What is the name of that compound? तो numbering should be starting from any one carbon? Yes. Sir, functional group के कारण. अब ये भी मैंने यहाँ पे double bond लगाया है. In that case, कहाँ जाना चाहोगे? सर ऊपर वाले कार्बन से ऊपर से लेफ्ट सो ऊपर से राइट क्लॉकवाइज से लीस्ट नंबर का डबल बॉन्ड को मिलेगा सर ऊपर से लेफ्ट सर डबल बॉन्ड सेकंड यस सर वन अब कीटोन आ गया नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे कीटोन को ही दोगे कि डबल बॉन्ड को दोगे
डबल बॉन्ड कीटोन को देंगे ना सर, फंक्शनल ग्रुप है, बराबर लेवल का है वो। यस सर, कीटोन सर, कीटोन को। यस सर, ये मिल गया 3 नंबर। तो व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट वन? इट इज 5 10 6 6। यस सर, सर बोलो सही है। सर हम इन नामों में हमारा ऑर्थोमेटा पैरा क्यों यूज करते? बेटा बेंजीन नहीं है, बेंजीन होना कंपलसरी होता उसमें ना, बेंजीन में दो डेरिवेटिव। अच्छा यदि मैं बात करता हूं यहां से नंबर करता, दो होता, ये तीन होता और ये चार होता, अमंग देम व्हिच वन इज करेक्ट ऑप्शन? देखो दोनों कीटोन को 1 3 मिल गया सर, राइट वाला करेक्ट होता है सर। तो सही तो एक ही होता है इन दोनों में से, मैं बोल रहा हूँ करेक्ट कौन सा है, पहला वाला कि दूसरा? दूसरा वाला, दूसरा मतलब पहला वाला गलत है ये बोल रहे हो? आप कंफ्यूज कर देते हो। जब ये नहीं है अपने पास, जब ये सही हो गया तो इसके अलावा जितने ऑप्शन है सारे गलत हो गए। अरे बोलो भैया, मेंस और नीट में तो ये होता है, चार में से एक सिलेक्ट करना है। सर दो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में किस सिक्का उछालोगे वहां पे? बोलो सर, सिक्का लेके जाने देते, जूते में ले जाना। चलो बोलो भैया नाम। साहिल सर मेरे से लिटरली नहीं बन रहे नाम। तुम बेटा है ना एक काम करो, तुम कहां रहते हो? घर पे। घर पे फालतू बात नहीं है ना, बाकी सब लोग क्या रोडों पे रहते, चौराहे पे रहते? नहीं सर, कैंपस से। प्लेस बोलो, धर्मपेट से कितना दूर है? सर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, कल आके मिलो कैंपस पे। ठीक है सर। स्कूटी है कि भिजवाऊं? है सर है। चलो ठीक है, भिजवाता भी नहीं मैसेज। चलो इसका नाम कोई और बनाएगा। अने गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया, नाम बनाओ बेटा, है ना फालतू बात नहीं। यस सर। सर 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 आप एक बार समझाएंगे कि आपने प्रायोरिटी कीटोन को क्यों दी? अरे बेटा एक ही तो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन ही तो फंक्शनल ग्रुप ना। हाँ सर, तो फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा होती है क्या डबल बॉन्ड से? हाँ हाँ, फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होती है, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में जो कुछ बच जाता है वो। और सर अगर एक जगह COOH होता, एक जगह कीटोन होता और डबल बॉन्ड होता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर COOH आता फिर डबल बॉन्ड आता उधर से ना, कीटोन बाद। अच्छा ठीक है सर, ओके। हां बोलना सर। साइक्लोहेक्स 4-ene-1-3-one मंत्री डायोन। हां मैंने तो यही लिखा, आपने सही नहीं बोला। अरे देख लिया मैंने बिल्कुल यार, मतलब मैं इसका ताली बजाऊं यहां पे? देख लिया तूने सही लिखा था बेटा, ठीक है सोने वाले बच्चे। हेक्स इट इज अ 4-ene-1-3 डायोन, बोलो सही है क्या सर? वो ई आएगा परेशान करते सामने वाले। चलो एक और देखो, यहाँ पर लिखा है बेटा इट इज C-S-3-C-O-C डबल बॉन्ड ओ, इट इज एच, अमंग देम व्हिच वन इज मोर प्रायर? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। एल्डिहाइड शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम व्हिच कॉर्नर? राइट। अब दैट मस्ट बी रिटन इन प्रीफिक्स कॉलम। यस सर। तो प्रीफिक्स में इसके दो नाम हो, अब बताओ कभी भी कीटो होगा तो डैट मस्ट बी काउंटेड इन पेरेंट कार्बन चेंज, इट इज ऑलवेज बी। अरे जाया कहा, ये तो हमेशा दो कार्बनों से घिरा होता ना। यस सर। तो यहां पर आइदर कीटो लिखो या फिर ऑक्सो लिखो, तो इसलिए हमने फॉर्माइल को वहां पर ऑक्सो बोला था क्योंकि वो काउंट हो गया था, क्योंकि इसको तो काउंट करना कंपल्सरी हुआ है, क्योंकि ये कभी कॉर्नर नहीं हो सकता, हो सकता क्या? नो नो सर। In that case, इसको oxo या keto कुछ भी लिखो। अब इसमें भी क्या होता है, वेरिएंट आता है,
यदि मैंने बोला कि ऑक्सो ले लिया और साथ में क्या ले लिया, मिथाइल ले लिया, तो इन दैट केस बताओ मिथाइल और ऑक्सो में एम पहले आया कि ओ पहले आया? एम आएगा. और यदि ऑक्सो की जगह मैं कीटो लिख देता, इन दैट केस क्या आता? कीटो पहले आता. तो वो अपने अपने चॉइस है कि आपको लिखना क्या है, ठीक है ना? मतलब दोनों सही है ना? तो मतलब दोनों काउंट करने के लिए है. सर मतलब इसमें कोई वैसा रूल नहीं है ना जैसे एल्डिहाइड में था? ना ना, इसमें मैंने बोला इसमें कोई रूल नहीं है ना, बस एल्डिहाइड में चलेगा. तो मतलब दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं? हाँ, बस अल्फाबेटिक ऑर्डर चेंज हो सकता है. के अकॉर्डिंग चलेगा यदि कीटो लिखा तो, और ऑक्सो लिखा तो ओके अकॉर्डिंग चलेगा? यस सर, सब्स्टिट्यूएंट में ना. चलो तो बात करें बच्चे, आप लोग क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो. ऑक्सो के बेस पे यदि बात करें, कुछ भी बोल दो. इट इज टू ऑक्सो प्रोपेनॉल. गंदगी कर दी इस लड़के ने. टू ऑक्सो सर प्रोपेनॉल ही होगा ना सर? प्रोपेनॉल सर, यही तो बोला सर. नॉल बोला था आपने? नहीं सर, नल बोला था सर. देखो चैट में भी वही लिखा था. चलो ठीक है सर, जो ज्यादा पोलर होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे. क्या बेटा? तो जो ज्यादा प्लूरल होता है, पोलर होता है, उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे. हां जी, पाइरूवैल्डिहाइड. इसका नाम है कॉमन नेम, इट इज पाइरूवैल्डिहाइड. तो कीटोन से बीच में आएगा तो हमेशा ऑक्सो लगेगा ही ना उसमें? हाँ जी, कीटोन हमेशा पेरेंट कार्बन चेन में होगा ना? हाँ जी, कीटोन हमेशा पेरेंट कार्बन चेन में होगा ना? हाँ जी, दैट इज कंपोजर. 1, 2, 3 आई बेसिस बना लोगे क्या होगा? इट इज टू ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड. यस यस सर, सिमिलर है इसलिए साथ में लिख रहा हूं. दैट इज पाइरूविक एसिड. तो संग संग में क्या होगा, आप लोगों के कुछ नाम ऐसे भी हो जाएंगे, ज्यादा सही रहेगा. ठीक है सर, आप बता सकते हैं सर हमने वो पहला वाला फिगर क्रॉस क्यों लगाया? सर सर तब डिस्कनेक्ट हो गया था. मैं क्या लगाया? क्रॉस लगाया सर, फर्स्ट फिगर में आपने क्रॉस लगाया वो वाले में. ये तुमने देख लिए? हाँ सर, वो सब देख लिए सर, ऊपर वाला. अरे वो नंबरिंग गलत थी ना बेटा सर? मतलब आप पे सर सेकंड पे डबल बॉन्ड ऑर्डर मिला था, फोर नंबर पॉसिबल था, तो फाइव नंबर, फोर नंबर पॉसिबल, फाइव नंबर देंगे सर? अगर फायदे के तो सर कॉन्फ्लिक्ट भी आता है ना सर, कि कौन पहले आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड, ऐसा भी होता है ना. ठीक है सर, तो अगर पहले आते हैं तो अपन पहले डाल देंगे क्या कभी भी डबल बॉन्ड? अगर पहले आ सकते हैं तो पहले डालेंगे डबल बॉन्ड. ठीक है, चलो समझ में आ गया भैया, आगे बढ़े क्या? यस सर, यस सर. सो कॉन्ट्राडिक्शन चालू. डू यू नो पीएच स्टैंड फॉर व्हाट? पोटेंस हाइड्रोजन फिनाइल फिनाइल. चलो नहीं समझा मैं मान लेता हूं. डू यू नो बेंजीन में ऑल कार्बन आर आइडेंटिकल? यस सर. क्या ये कंपलसरी, मतलब कंपलसरी है कि मैं ऊपर ही लिखूं जो कुछ लिखूं पहला चीज? अरे बोलो. नो सर, यहाँ पर स्पेस मिलेगा मेरे को? यदि यहाँ पर स्पेस होता यहाँ पर भी लिख देता, नीचे होता तो नीचे लिख देता. तो जहां पर स्पेस बच जाए मेरे को वहां पर लिख देता. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम कोई बताना चाहेगा? तो ये लिखा है आपका, सबसे पहली टास्क क्या है बोलो आपको, कि कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन. बोलो हाँ ना? यस सर. इन रिस्पेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन. सो व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन? इट इज 6 or 2? सर 2. चलिए अभी तक आप बिल्कुल सही है, 2 कार्बन. अब व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ब्रांच? बेंजीन. It is phenyl or benzyl? Phenyl. Sir, benzyl. Sir, benzyl. Sir, phenyl. Benzene से ऐसा तो benzyl बनेगा, phenyl बनेगा? Sir, phenyl बनेगा. It is one. Phenyl. Phenyl. इथे नॉन. अरे बोलो सही है क्या? Yes, sir. Clear है? कॉमन नेम बोलते हैं इसको हम लोग, एसीटो फेनोन. क्या बोलते बेटा? एसीटो फेनोन. ये होता है एसिटाइल ग्रुप. एक और देखे, एक मिनट. हाँ बेटा,
सर जी सर बोलिए सर हम नंबरिंग करते वक्त हम वो चेन के अंदर नहीं जा सकते क्या अगर हमने बाहर से स्टार्ट किया है तो जा सकते हैं ना दैट इज कंडीशन यहाँ पर फिलहाल में कुछ लगा नहीं था अदरवाइज वहीं पर जाना पड़ता झक मार के ओके सर एक बार वो वापस बता दो ना एक्सप्लेन कर दो ना इसको वो डॉट स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर हाँ देख बात करें बच्चे अपन लोग समझना क्या है इसको मेन कार्बन चेन क्यों नहीं रही है ना हाँ सर छह कार्बन की है नो डाउट कोई दिक्कत नहीं यदि यहाँ पर इसके अलावा कुछ और चीजें भी लगी होती ना तो बस लेता नंबरिंग यहाँ से होती अभी फिलहाल में इट इज सिंगल ना सिंपल है हाँ सर इन दैट केस हम नंबरिंग यदि यहाँ पर भी करेंगे तो दैट मस्ट बी अ ब्रांच और हमारे yes, रूल में ये लिखा हुआ है ना कि कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन और एक बात और एक कीटोन वाली कंडीशन पे हमने कहीं पर ऐसा ब्रैकेट में कोई नाम यूज नहीं किया ये आया है सर ठीक है इन दैट केस इसको काउंट तो करना पड़ेगा अब इसके yes, बेस पर यदि बात करें हम लोग राइट नाउ आपको ये कंपाउंड दिया है क्वेश्चन रेज हो रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन अरे बोलो बेसिकली ये ग्रुप कौन से लगे हुए हैं साइक्लोहेक्सेन्स लगे ना इज साइक्लोहेक्साइल तो क्या होगा सर एसेटोफिनोन ऊपर वाला है ना हाँ जी नाम क्या होगा बोलो उसका सर 1.1 डाइसाइक्लोहेक्साइल 1.1 डाइसाइक्लोहेक्साइल मिथेनोन एक्साइल मिथेनोन मिथेनोन यस मतलब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है दिस वन कंपाउंड दैट में आल्सो बी रिटन एज इट इज पीएच इट इज सी डबल बॉन्ड ओ देन अ पीएच तो इस कंपाउंड को मैं बोलता हूं दैट इज अ बेंजोफिनोन क्या बोलते भैया बेंजोफिनोन ये तो कॉमन नहीं बोलते आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे ये आप बताइए मेरे को सर 1.1 डाइफेनाइल मिथेनोन मिथेन 1.1 डाइफेनाइल यस सर बोलो सही क्या यस सर तो अब यार ये बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट हैं इनके साइड से निकलना है सर लास्ट वाला एक बार बता दो सर वो मिथेनोन का सर मिथेन का सर यहाँ पे सर वो और करके कैसे लिखा सर वो एक बार बता दीजिए ना सर सर वो और करके आपने एक और नेम लिखा है वो बेंजीन को आप लोग इन शॉर्ट में मैंने पीएच बोला मैं भी शायद बताया तुम लोगों ने बताया सर शायद नहीं बताया सर बताया होगा आर्टिकल पढ़ा है तब बताया था कि C6H5 मे बी रिटन एज पीएच ठीक है सर बताया था सर बेंजीन भी बताया था फिनाइल हां सर बताया किया था मैंने शायद बताया होगा सर फिनाइल वो ब्रैकेट में सर बेंजो के आगे क्या लिखा है स्पेलिंग क्या नीचे सबसे नीचे बेंजो फिनोन फिनोन PHE फिनोन अरे नहीं नीचे अरे बोलता रहा हूं बेंजो देन फिनोन सर इसका नाम एक बार रिपीट कर देंगे IUPAC हां सर चेक कर रहे हैं पर इट इज 1.1 डाइफिनाइल मिथेनोन ओके सर सर फिनाइल ब्रैकेट नेम है ना सर फिनाइल हां सर मतलब ब्रैकेट में हां सर ब्रैकेट नेम नहीं है ओपन ओपन तो अपन को लिखना पड़ता है जब वो पेरेंट कार्बन में नहीं है तब ब्रैकेट में क्यों लगी है बेटा नहीं सर ब्रैकेट में नहीं सर मैं बोल रहा हूँ कि इस जगह से पेरेंट कार्बन में नहीं रहता तब अपन लिखते ना फेनाइल हाँ सर वही पूछ रहा था तो बेंजीन लिखते हैं अपन लोग पेरेंट कार्बन के लिए छह कार्बन ठीक है सर हाँ सर ठीक है फेनाइल क्यों लिखते बेंजीन लिखते ना अभी तो प्रारंभिक ब्रांच होगी नहीं हाँ सर चलो अगले फंक्शनल ग्रुप के आगे नेक्स्ट बोलो भैया कौन सा है अपना अल्कोहल यस सर अल्कोहल थायो अल्कोहल और लास्ट में अमाइन अल्कोहल बोलिए भैया अल्कोहल के बारे में सफिक्स क्या बोलेंगे ओएल ओल ओल ठीक है तो बस यार देख भैया कार्बन तो है नहीं है कार्बन नहीं है इन दैट केस क्या है कि अपन लोग कोर्स करें इसको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिला है बोलो हाय ना यस सर इन दैट केस
what about the name of CH3 then OH? Count the number of carbon. Kitna? One. Methanol. Kya naam bolo iska? Methanol. क्या कोई और नाम आता हो जो आपने कभी सुना हो? एक ऐसा अल्कोहल है जो किससे बनाते हैं? वुड से बनाते हैं अपन. That is poisonous alcohol. Do you know about it? No sir. Yes sir. यदि इस अल्कोहल को किसी ने ड्रिंक कर लिया तो परमानेंट वो ब्लाइंड हो जाएगा, भले एक लीस्ट क्वांटिटी, और ज्यादा क्वांटिटी होगा तो खत्म ही हो जाएगा ब्लाइंड की. ठीक है, तो ये वाली अल्कोहल क्या होता है? मार्केट में स्प्रिट मिलती है, दैट शुड कंटेन क्या होता है आपका? इथेनॉल, जो पीने वाली होती है. उसमें थोड़ा सा ये मिलाए थे कि ऐसा ना हो कि मार्केट में देखे अपन लोग जो वाइन शॉप होगी वहां पर अल्कोहल बहुत महंगी है, और वहां मेडिकल स्टोर पे देखे तो वही कितनी ज्यादा सस्ती है. इवन देखे अपन लोग प्योरेस्ट फॉर्म में मिल रही है, तो वहां से खरीद के डाइल्यूशन करके लोग बेच सकते थे, बोलो हाँ ये पी सकते हैं. तो ऐसा ना करें लोग, इसलिए उसमें ये भी ऐड कर देते हैं. और इसके ऐड करने से क्या होता है? तो जाओगे सर, वो हम पी नहीं सकते, पॉइजनस हो गए. न्यूज़ सुनने को आता ना कि अल्कोहल पहल के पी के क्या हो गया, मर गए लोग, इतने मोर लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया. अभी कोरोना के आपको बता होगी सेपरेशन टेक्निक, नॉल प्रोपेनॉल ये सब चले जाएगा, सही हो जाएगा. मैं आपसे कौन बात करता हूँ कि वाटर है, वाटर में यदि मैंने शुगर डाला, क्या डाला बेटा? शुगर डिसॉल्व कर दिया. yes. अब शुगर को मुझे फिर से रीगेन करना, फिर से रिस्टोर करना है, क्या करूंगा? इवापोरेशन ऑफ वाटर हो जाएगा. यदि मैं शुगर की जगह सॉल्ट डाल देता, वाटर में यदि मैंने अल्कोहल डाल दिया, कौन सा वाला अल्कोहल? वो पीने वाला C2H5OH. What is the boiling point of alcohol? What is the boiling point of water? It is 100. Yes sir. Boiling point of alcohol, it is 78 degree Celsius. बोलो क्या करते हैं? Fractional distillation. Distillation? फ्रैक्शनल भी क्यों, नॉर्मल डिस्टिलेशन देख लो, टेम्परेचर बहुत अलग है. बॉइलिंग पॉइंट में यदि देखे ना, पॉइंट में डिफरेंस आता है. इन दैट केस अपन लोग फ्रैक्शनल यूज करते हैं, पेट्रोलियम वगैरह में होता है. तो बोलो बाय मिस्टेक किसी ने पानी में अल्कोहल डाल दिया, अब वो चाहता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल ऑब्टेन कर ले, क्या करेगा वो? डिस्टिलेशन. अल्कोहल, पता अल्कोहल कैचेस फायर. यस सर. अब क्या करोगे? नहीं कर सकते. अरे नहीं कर सकते ना, कैसे करोगे? सर डिस्टिलेशन से नहीं होगा. तो डिस्टिलेशन के लिए बच्चा बोलेगा सर एक काम करो, हम फ्लेम के थ्रू नहीं कर सकते तो हम स्टीम डिस्टिलेशन कर देंगे. हम स्टीम के थ्रू गर्म करेंगे, स्टीम वाली बहुत ज्यादा रहता है ना टेम्परेचर उसमें भी. यस सर. यस. तो कंक्लूजन ये हो गया कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया, रूम टेम्परेचर इज राइट नाउ देखे अपन लोग 42 समथिंग कुछ टेम्परेचर होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, हम कहां पर पहुंचे? 70. बताओ पहले कौन उड़ेगा यदि मैंने बोला कि आग नहीं लगी? बोलो पहले कौन उड़ेगा? अल्कोहल. अल्कोहल, अल्कोहल वेपराइज होगा, कंडेंस होगा, और दूसरी वो कंडेंस रहेगा, उसको अपन लोग सेपरेट कर लो. दैट इज द प्रोसेस ना. यस सर. अब मैंने बोला कि 77.5 पर जो कंडेंस वेपर मिली उसमें वाटर प्लस अल्कोहल दोनों ही मिले, और पते की बात देखो कि कंपोजिशन वही था जो कंपोजिशन में लिक्विड फॉर्म में लिया था, मतलब दोनों उड़ गए. और कब उड़ गए? कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी टच नहीं होगा, उससे पहले ही उड़ गए. मतलब इन दोनों ने एक ऐसा मिक्सचर रेडी कर लिया है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट boiling mixture. It cannot be separate by distillation. समझ रहे हो? At least distillation के थ्रू अपन लोग, या गर्म करके अपन लोग इसको कभी भी separate नहीं कर सकते. रिएक्शन करा के अपन कर सकते हैं सर, क्योंकि मतलब उड़ जाएगा ना वो जब तक वाटर बॉइल होगा तब तक डिसॉल्व हो गया ना.
मैं ये बोल रहा हूँ व्हाट इज अ फंक्शन, अपन डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि दो लिक्विड है, दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट अलग है, जिसका बॉइलिंग पहले कम होगा वो क्या होगा, पहले वेपराइज होगा, उसकी वेपर को अपन लोग सेपरेट कर लेंगे, बोलो दैट इज द प्रोसेस ना। अब मैंने बॉइल करना चालू किया, तो बॉइल करने चालू हुआ तो पता चला कि दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक साथ बॉइल हो रहे हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट प्लस इसका बॉइलिंग पॉइंट बोथ बिकम कितना हो गया राइट नाउ 77.5। अब बताओ क्या कर सकते हो, क्या बॉइल करके इनको सेपरेट कर पाओ? नहीं सर। तो राइट नाउ दैट मिक्सचर इज नोन एंड व्हाट, क्या बोलते इसका बोलो? 77.5 कैसे आया? अरे यार देखो दैट इज केमिस्ट्री ना, इट इज नोन एज व्हाट, एजियोट्रॉप। एक ऐसा लिक्विड का मिक्सचर जो क्या होता है एक ही टेम्परेचर में बॉइल होता है, और अलग अलग कंस्टिट्यूट के बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे। इसका 100 था, इसका 78 था, और मिक्सचर क्या होगा बिलो बोथ बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। या एक केस और होता है इसमें क्या होता है इन दोनों से अब हो जाएगा, तो वो भी अपन लोग पढ़ेंगे, ये 12th क्लास का टॉपिक है बेसिक। सर तो 77.5 के बाद अपन इसको डिस्टिल नहीं कर सकते ना? 77.5 के ऊपर टेम्परेचर लेके आओगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों पेपर में पहुंच जाएंगे। हाँ सर, मतलब 100 तक पहुंचे नहीं, इतने में क्या होगा सारे हमारे पेपर में लग गए, बोलो है ना? हाँ सर। पेपर में क्या सर, अगर हम H2O की जो स्टीम बनी है वो एब्जॉर्बर यूज कर ले तो फिर क्या, मतलब H2O एब्जॉर्बर यूज कर ले तो क्या है, तो है कोई H2O एब्जॉर्बर? सर पता नहीं हमने लिखा था, याद है कपड़ा यूज कर ले, इस पर साइजो भी लिखा था, कॉपर सल्फेट यूज करते हैं अपन लोग वाटर का पता लगाने के लिए, बोलो है ना? हाँ सर। क्या करता है वो, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है, अरे बोलो है ना? हाँ सर। वो तो इथेनॉल भी करेगा, आप बताओ क्या करोगे? सर अब नहीं पता, मतलब केमिस्ट्री तो मुझे पता ना, इथेनॉल भी सेम काम करेगा। अब क्या कर सकते हो, बेहतर है कि उसको जैसा है वैसे रख दो, आगे ये गलती मत करना, ठीक है? सर तो 77.5 पे दोनों ही वैपोरेट हो जाएंगे ना? हाँ जी, तो कभी ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करना, ये केमिकल मतलब प्रॉपर तरीके से रीजन है इसका। सर वो अगर वेपर बन गया तो वो फिर आके बर्नर से कांटेक्ट में आके जल भी सकता है ना? नहीं बट डिपेंड करता है बेटा, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि यार जितने भी एक्सपेरिमेंट अपन सोचते हैं फिजिकली यहाँ पर पेपर पर लिखना बहुत आसान होता है, और बाकायदा इनको फंक्शन करना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना। तो केमिस्ट्री लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि भैया सेफ्टी इम्पोर्टेंट होती है ना, छोटी मोटी लैब भी होती है ना, बहुत खतरनाक लैब हो सकती है। चलो लौट के आते हैं अपन लोग, है ना? तो भैया क्या बोलते हैं अपन लोग, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, वुड अल्कोहल या फिर वुड स्प्रिट। ठीक है, पॉइजनस अल्कोहल है। चलो इसके अलावा देखिए व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दिस वन कंपाउंड, इथेनॉल। इथेनॉल, अरे बोलो, यदि मैंने बोला है कंपाउंड ये दिया हुआ, बोलिए क्या होगा? इट इज नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम विच कॉर्नर, एनी कॉर्नर, एनी कॉर्नर, in that case it is 2 yeah propane, propane 2 or 2 all, are bolo sahi hai kya, common name kya hoga iska, iso, isopropyl alcohol, propyl alcohol padhaye kya sir, this is loose karne mein kaam mein aata hai na, kya beta adhesives lose करने में, dissolve करने में, किसको dissolve करने में, adhesives, सर sticky चीज है, पता नहीं सर, fevicol होता है ना adhesive, वैसे बोलो, नहीं यार alcohol पता नहीं, I don't know यार, तो इसकी नहीं हो सकता, हो भी सकता है ना, मतलब liquid बहुत thin है, and that thickness को कम करने के लिए use करेंगे, सारे alcohol use कर सकते हो, ठीक है ना, तो डिपेंड कर सकते हैं पर्पस क्या है। बेसिकली एक बात तुम लोग को पता है कि हम यही सब्सटेंस क्यों यूज करते हैं, मतलब कोई भी है, जो भी पेट वगैरह होता है इनको डाइल्यूशन करने के लिए, वाटर क्यों यूज नहीं करते? सर क्या पूछा, क्या पूछा आपने? पेट वगैरह जो रहता है ना उसको डाइल्यूट करने के लिए अपन लोग टर्पेंटाइन ऑयल या टर्पेन ऑयल यूज करते हैं, अपन लोग सुना है आपने, शाइन के लिए? यस सर।
क्यों करते हैं? अलग रहती शाइन के लिए ना, तो जल्दी फैल जाते सर वो जल्दी फैल जाता, दैट इज ट्रू। हां और इसके अलावा सर वो स्टिक करते सरफेस पे, वो निकलता नहीं है। नहीं बेसिकली बात कर, ये तो पता है ना जो पेंट वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जो सील पैक आता है, दैट मस्ट बी क्या होगा, वेरी वेरी थिक ना? Yes, yes, sir. थिक से थिन करने के लिए अपन लोग डाइल्यूट करते हैं। पहला तो रीजन तो ये हो गया कि ब्रश उस पर डिप किया, पता चला कि यहाँ पर देख रहे हैं तो पता चला पेंट ही पेंट है अपने हाथ में, तो ब्रश क्या होगा फ्रीली मूव नहीं करता क्योंकि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा उस पेंट की। Yes, दूसरा जब एक कोट कर दिया आपने तो आप तो आगे बढ़ गए, अरे बोलो आए ना। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर पेंट लगाए हो कि वो ऑयल लगाए हो, बेसिकली डैट ऑयल इज क्या होता है, वोलाटाइल लिक्विड, तो वो क्या होगा, वो तो उड़ जाएगा, उसने अपना काम कर दिया, अब वो रहेगा क्या? नो सर, समझा नहीं समझा? अच्छा समझा, नहीं समझा। थिन करके लगाएंगे तो उड़ जाएंगे, पानी लगाएंगे तो जम जाएगा वहां पे, पानी लगाएंगे पानी तो बेसिकली हां प्रेसिपिटेशन होगा। आप सिंपल देख लो, ऑयल एंड वाटर मिला के देख लो, मतलब ऑयल उड़ जाएगा ना, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर पेंट को थिन करके लगाएंगे तो ना। बोलो क्या नाम है उसका? बोलो भैया। साइक्लोपेंटेन 1, 2, 3 ट्रायल। What is this? Phenol. Phenyl alcohol. Phenol. सर यहाँ पे हम लोग कैसे नंबरिंग तो नहीं करेंगे? मैंने बोला what is the IUPAC name of this compound? The cyclophilon. Is it alcohol? Yes or no? Yes sir. Yes sir. ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। Yes sir. नोट लिख देना है यहाँ पे। First of all, what is this? It is always be phenol. कोई सा नाम ले लो, या कॉमन ले लो, या IUPAC ले लो, IUPAC या फिर कॉमन। और लिख दिया अपन नोट पॉइंट में, नॉट अल्कोहल। ये ग्रुप कभी भी अल्कोहल नहीं हो सकता, अल्कोहल एंड फिनोल दोनों अलग अलग ग्रुप में माने जाते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल क्यों हो सकता है बता सकते, रिपीट कर सकते एक बार? ये फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। अल्कोहल होता है आपका अल्काइल से जुड़ा हुआ, और फिनोल का कंडीशन होती है बेंजीन से जुड़ा हुआ, दैट इज फिनोलिक ग्रुप। सर सिर्फ बेंजीन से भी कोई कोई भी एलिमेंट चलेगा क्या? सर कोई भी ये चलेगा कि प्रीफिक्स? They are considered as a different functional group. कौन सा prefix चलेगा? Benzene. सुन मेरी यार। Benzene alcohol बोल रहे हो ना? Yes sir. Benzenol बोल रहे हो? हाँ sir, Benzenol. Benzenol is wrong name है ना? That is not it. Sir तो जब वो इसके साथ benzene रहेगा तो अपन phenol बोलेंगे उसको। हाँ, it is always the wrong. Benzene के ऊपर एक अब कुछ चीज़ memory में भी रखना पड़ेगी भैया। Yes. Sir ये functional group है ना अलग? That is a different group. OH लगा इसलिए अपन लोग यहाँ पर गलती कर सकते थे। इसका भी IUPAC बनाया गया अपन लोग। It is benzene all, benzene all। अरे बोलो आया ना? और वहीं पर क्या होता था अपन को आराम से चार के जगह माइनस एक मिल जाता। चलो। सर benzene all अपन अल्कोहल के हिसाब से लिख देते ना? हाँ जी। सर अगर OH और एक और ऐड होता फिनोल। अरे वाह बहुत बढ़िया, मतलब आपने वही सोचा जो मैं लिखने वाला था। क्या होता बोलो? फिनोल अल्कोहल। लिखता ऑर्थो, ऑर्थो के लिए ओ लिखते हैं, याद है आपको? यस सर। यस। डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, अरे बोलो हाय ना?
सर ऑर्थो क्यों लगा है? Because relative position 1-2 है. Yes. या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी फेनॉल, अरे बोलो फेनॉल तो होता ही है, उसके ऑर्थो पर एक हाइड्रोक्सियोल लगा है. एवरीथिंग इज मेमरी बेस्ड. या फिर इनसे भी ज्यादा अच्छा दैट इज कैटेचॉल. ये कैटेचॉल लेकिन नाम ही है कैटेचॉल. कॉमन नेम है क्या आईओपीसी? हाँ कॉमन नेम. ये इस नाम से ज्यादा जाना जाएगा है ना, जो मैंने लिखा है कैटेचॉल. सर आपने क्या लिखा था आईओपीसी स्लैश? क्या सर आपने क्या लिखा आईओपीसी स्लैश फेनॉल में? और कॉमन नेम बोथ आर सेम थिंग. सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन वो क्या है आगे? बेंजीन बस. या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी फेनॉल. सर वो बेंजीन लिखा है. हाँ जी इट इज बेंजीन एन ई लिखा है ना ये. अरे यार लेकिन सर अगर दो ओएच रहे तो अपन एक फिनॉल मान के अपन फिर बेंजीन लिख सकते हैं. हाँ जी यहाँ पर लिखा है इट इज मेटा कार्बोरो है ना. यस दैट इज विच पोजीशन लिख दिया मैंने मेटा पोजीशन. अब नाम तो बना लोगे अपन लोग. मैं तो यहाँ पे नाम लिखा रहा हूँ इसका. दैट इज नोन एज व्हाट इसको बोलते हैं हम लोग. रिसोर्स इन ऑल और ये है हाइड्रो. सर ये मेटा क्या है? क्विनोल दैट इज पैरा पोजीशन. जब पैरा पे लगे तो वो क्या होता है हाइड्रोक्विनोल. जब मेटा पोजीशन पे लगे तो ओ है तो क्या बोलते हैं बोलो बोलो रिसोर्सिनोल. ऑर्थो पे लगे तो क्या होता है कैटेचॉल दैट इज एट ऑर्थो पोजीशन. और एक और नाम ये कॉमन नेम में आ गया बोलोगे ना लॉट मतलब घूम फिर के OH 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 तीन पोजीशन पे 1-2-3 पोजीशन पे तीन OH. इन दैट केस क्या होगा दैट इज पायरो गैलोल ऑक्सीजन एब्जॉर्बर. ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से या कहीं से भी किसी भी जगह से खींच सकते हैं. सुना है क्या पाइरोगैलोल? सर आपने लिखाया था रेड ऑक्साइड पाइरोगैलोल. सर हम ये पाइरोगैलोल को फिनॉल के टर्म्स में नहीं लिख सकते बेटा. जो बताए हैं ना वो लिखो ज्यादा अच्छा है. आप किस में लिखते हो इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है ना एग्जामिनर को ना मेरे को किसी को भी. इंटरेस्ट ये है कि इसका नाम क्या है. यदि बताना है तो ये बताना यही पूछे है ठीक है. तो जो yes, बताया आ रहा बस वही है आपके लिए. इसके अलावा नथिंग एल्स. तो तब पायरो और गैलोल की यूज कर रहे हैं मतलब ऐसे वर्ड्स. कंबाइंड नेम है बेटा. इट इज कंबाइंड नेम. एक ही मतलब ऐसे ही नाम रख दिया. हाँ, मतलब पायरो और गैलोल को अलग मत करो है ना. पूरा नाम ही है पायरो गैलोल. सर तो इसका मतलब सर ऐसे पायरोगैलोल ऐसी दे देंगे कुछ मतलब है इसका कि ऐसा है इसे देती है कुछ ना कुछ. ओके सर कॉमन नेम अपन कैसे बोल सकते हैं कि इसका बच्चे को बोलते हैं अपन लोग सोनू बोलते हैं. सोनू बोलते तो क्यों आज तो बात सही है ना. सर तो जिसने इन्वेंट किया उसने डाल दिया होगा नाम अपने. और क्या ठीक है. सर ये जो ऑर्थो मेटा और पैरा है ये दो अल्कोहल की रिलेटिव पोजीशन के वर्ड्स है ना. क्या
ये जो ऑर्थो मेटा और पैरा है ये दो अल्कोहल के रिलेटिव पोजीशन के वर्ड्स है ना। अल्कोहल नहीं किसी भी ग्रुप के लिए है ना। वन टू पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, वन थ्री पोजीशन को बोलते हैं दैट इज मेटा पोजीशन, एंड वन फोर पोजीशन को बोलते हैं दैट इज पैरा पोजीशन। ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया है जब डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। याद है सर? यस सर। केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया था, याद है? यस सर। जो हमें अप टू हाइड्रोजन आ रहा है तो हमने अपनी नोटबुक में हाइब्रिडाइजेशन से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड किया है।